चबूतरा के जंगल में डेढ़ सप्ताह पहले संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत को लेकर मृतक की मां व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले तथा उन्हें ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की। मृतक की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे तथा वे यहां पर रोती रही। मृतक की मां का कहना है कि उनका पुत्र आत्महत्या के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। घर से लापता होने व बाद में शव मिलने तक पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उसने खुद जहर नहीं पिया, किसी ने उसे पिलाया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की गुहार लगाई है, जिससे पूरे रहस्य से पर्दा उठ सके। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि इसकी जांच की जा रही है तथा विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। परिजनों के संदेह की भी पूरी जानकारी लेकर जांच की जाएगी। इसके लिए थाना प्रभारी सुजानपुर को उचित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर दी है। मांगे न मानने पर कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। एचआरटीसी कार्यालय के बाहर निगम कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। इस दौरान संगठन के नेताओं द्वारा संबोधित भी किया गया। खुले मंच से निगम कर्मचारियों ने अपनी मांगे रखी। उन्होंने काले बिल्ले लगाकर विरोध आरम्भ कर दिया है। कर्मचारियों ने कार्यालय गेट पर मीटिंग करके परिवहन निगम प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की। गेट पर तकनीकी कर्मचारियों नेताओं द्वारा संबोधित किया गया। प्रधान रोशन लाल तथा सुशील कुमार मंडलीय अध्यक्ष ने निगम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन कार्यशाला कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उप नेताओं ने परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कार्यशाला कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों को शीघ्र पूरा करें। मांगों में कार्यशाला कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र की जाए, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया जाए, पीस मील कर्मचारियों को शीघ्र पक्का किया जाए। बजरंग दल के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने देश में चल रहे धर्मांतर का कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि बजरंग दल ईसाइयों व मुसलमानों को प्रदेश छोड़ो आंदोलन चलाने में नहीं हिचकिचाएगी। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे इस पर हस्तक्षेप करें तथा ऐसे मिशन पर नजर रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुसलमानों व ईसाइयों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और आए दिन अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण बढ़ रहा है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर सरकार को कड़े नियम बनाने को कहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 व 35A पर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द इसे हटाने का निर्णय लेगी और साथ ही देश के मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में चल रहे 7 दिवसीय बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर में 16 संगठनात्मक जिलों से लगभग 112 सदस्यों ने भाग लेकर इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस शिविर में विशेष ट्रेनर्स द्वारा आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नगर परिषद घुमारवीं में हाल ही में हुए अध्यक्ष पद के तख्ता पलट के बाद काफी अरसे बाद भाजपा समर्थित पार्षद राकेश चोपड़ा 3 बजे के लगभग अध्यक्ष पद की शपथ उपमंडलाधिकारी शशिपाल शर्मा के द्वारा दिलवाई गई है, जिसमें स्थानीय विधायक राजेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे हैं।
नगर परिषद घुमारवीं में काफी वर्षों के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कोई भाजपा समर्थित पार्षद अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुआ है। इससे पहले नगर परिषद की कुर्सी पर कांग्रेस समर्थित पार्षदों का ही कब्जा रहता था। अप्रैल महीने में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष गीता महाजन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ही पार्षद व नगर परिषद की उपाध्यक्ष ने भाजपा पार्षदों के साथ मिलकर अविश्वास लाया था, परंतु गीता महाजन ने विश्वास मत पर चुनाव होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये पद खाली चल रहा था। लगभग दो सप्ताह पहले अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें निर्विरोध रूप से भाजपा समर्थित राकेश चोपड़ा अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हुए थे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश चोपड़ा पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि नगर परिषद में विकास के नए आयाम छुए जाएंगे और घुमारवीं नगर परिषद को आदर्श नगर परिषद बनाया जाएगा। नगर परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर राकेश चोपड़ा जैसे ही वरिष्ठ अनुभवी और समाज सेवी का अध्यक्ष पद पर विराजमान होना घुमारवीं नगर परिषद वासियों के लिए एक सुखद संदेश है।